PSL का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, जहां ये मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेला गया। इस मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने बल्लेबाजी पहले की, जहां मार्टिन गुप्टिल और एलेक्स हेल ने बारी की शुरुआत की। अच्छी शुरुआत इस्लामाबाद यूनाइटेड की हुई, जहाँ मार्टिन गुप्टिल ने 47 गेंदों में 56 रन और एलेक्स हेल ने 20 गेंदों में 23 रन बनाए, जहाँ आगा सलमान ने 21 गेंदों में 31 जबकि शादाब खान ने 13 गेंदों में 23 रन, आजम खान ने 18 रन, कुल मिला के 20 ओवर में 174 रन पे 9 विकेट गवाए। जहां आमिर ने 4 ओवर 20 रन 2 सफलताएं ली, बल्कि वसीम जूनियर ने 3 ओवर 40 रन 1 सफलता, जहां अकील हुसैन ने 4 ओवर की गेंदबाजी की 34 रन 2 सफलताएं हासिल की। जहां 174 के लक्ष्य का हदफ का पीछा करते हुए क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम से जेसन रॉय और सौद शकील ने बारी की शुरुआत की। वह बेहद खराब शुरुआत रही, क्योंकि जेसन रॉय ने 1 रन जबकि सौद शकील ने 0, उमेर यूसुफ ने 50 रनों की बारी खेली, रौसो ने 5 जबकि अकील हुसैन ने 31 और मोहम्मद आमिर ने 23 रनों की बारी खेली और इस मुकाबले को 18 ओवर में ही 135 रन पर ढेर हो गई क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम। और इस मुकाबले को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 39 रन से जीत गई है। यूनाइटेड की टीम आज पिशावर जालमी के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने वाली है।